हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेटली आई हैव बीन फीलिंग कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं होता कुछ करने का। लाइक आई गेट लेट विद एवरीथिंग दैट आई एम सपोज टू डू। मतलब अगर किसी जगह पे 3 बजे पहुंचना है तो 5 बजे उनको मैं मैसेज करके बोल रहा हूँ कि आई विल बी देयर बाय 5:30, एंड देन आई गेट दिस क्वेश्चन कि भाई तुम सारा दिन कर क्या रहे थे। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन आई विल टेक यू गाइस थ्रू अ टिपिकल सैटरडे जहाँ पे आई हैव ट्राइड टू बी प्रोडक्टिव। बट वॉज आई प्रोडक्टिव? सुबह 9 बजे का अलार्म लगा था, तो जैसे ही सुबह 9 बजे अलार्म बजा, उठने की बजाय आई केप्ट स्नूजिंग इट। और जब इवेंचुअली फिर मैंने अलार्म बंद किया तो सबसे पहले मैंने खोला इंस्टाग्राम, क्योंकि स्टोरीज देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगले 30 मिनट यहीं पे गुजर गए। खैर, फिर मैंने किया दिन का पहला प्रोडक्टिव काम। आजकल मैं एक रूल को फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है 2 मिनट्स रूल। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ 2 मिनट या उससे कम के टाइम में हो जाती है तो उसको उसी वक्त कर लो। और उसी रूल की वजह से अब जब भी मैं उठता हूँ तो सबसे पहले अपना बेड बनाता हूँ। जब तक मैं नहा धो के फ्रेश हुआ 10 बज चुके थे। और अब टाइम है मेरे वीकेंड के सबसे फेवरेट एक्टिविटी का, वो है सुबह का नाश्ता बनाना। पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिलता कि एक मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँ। सैटरडे इज़ माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द वीक, जब मुझे कोई रश नहीं होता कि बस जल्दी से खा के निकलो घर से, ऑफिस पहुंचना। खाना खाने के बाद मूड बहुत अच्छा था मेरा, तो मैंने कहा अब मैं अगली वीडियो के लिए म्यूज़िक ढूंढता हूँ जो इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में यूज़ करूँगा मैं। तो आई स्पेंड अराउंड 30 मिनट्स डूइंग दैट। उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है, काफ़ी काम कर लिया। आई कंटिन्यूड वॉचिंग यूट्यूब वीडियो। फिर आई रियलाइज कि यार अब घर भी साफ कर लेता हूँ। माई हाउस वॉज अ कम्प्लीट मेस। पूरे वीक जो है मैं कहीं भी बस चीज़ें रख देता हूँ। ऑफिस से आता हूँ थका होता हूँ, तो वीकेंड इज़ माय डे जब मैं सारी चीज़ें वापस अपनी अपनी जगह पे रखता हूँ। तो आई स्टार्टेड क्लीनिंग माय हाउस। तकरीबन 40 मिनट लगे होंगे मुझे घर साफ़ करने में, लेकिन घर साफ़ हो गया और 12 बज चुके हैं। और अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस बीन बैग पर बैठ के फेसबुक पे वीडियोस देख रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई हैव सी दिस वीडियो एंड इट रिमाइंड्स मी के ओह शिट, मैंने तो जिम भी जाना था। तो देन आई गेट रेडी एंड आई लेफ्ट फॉर द जिम। It was a good day at the gym क्योंकि back की injury के बाद finally I'm lifting the same weight जो मैंने injury के वक्त उठाया था। थोड़ी सी मेरी flat हुई थी उठाते वक्त, लेकिन अभी तक एक पीस में है मेरी कमर। मुझे एक दोस्त के घर पार्टी पे जाना था और जब तक मैंने जिम ख़त्म किया मैं उस पार्टी से लेट हो चुका था। मैं फ़ौरन बस में बैठा। A friend of mine said कि ठीक है, I'll pick you from the station। तो thanks to her, उसकी वजह से मैं टाइम पर पहुँच गया। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन दोस्त के घर खाना था, गुड सीन। उसके बाद हमने मूवी देखी, बहुत ही मेस्ड अप मूवी थी। जब मैं दोस्त के घर से निकला तकरीबन 10:30 हो चुके थे रात के। सो या दैट वाज प्रीटी मच अ डे इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर टैगिंग अलोंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।